ओ मुझे लीक मिली है। मिली यस ये मुझे लीक मिली है, लेकिन ये कच्ची है। मुझे तो सब दिखाते हुए ना ऐसे जैसे मिली मेरे साथ भी ऐसा होता है। एक दफा ना तैमूर शादी है ना, तैमूर शादियों को सर दिखाती। ना। अभी का देखना था हाँ तैमूर शादियों को आता था तो ना मैं उनको सर दिखा रही, तो मैं सर दिखाते दिखाते सो गई थी। मेरा फीजा से बड़ा होता था, बड़ा ही तो शादी ब्याह में मिलती है तो सलामदा नहीं होती आप वहाँ होती पे। है। हाँ जो फिर रात मिलते हैं, पर ये क्या वो मिलते ही बहुत कम है। पता नहीं कितनी देर हो गई, साल 2 साल हो गए मिले। एक ही एज की है दोनों, नहीं उससे बड़ी है, लेकिन हम बेस्ट वो थे। वो नजदीक था पता है। वो फिजा जो थी ना, जो उसे कभी जिंदगी में नहीं था ना, किसी की बात नहीं सुनाती, मेरी बात मान लेती थी। हाँ मेरे साथ बैठ के करेले भी खा लेती थी उसकी, उसने कभी जिंदगी में करेले नहीं थे खाए मेरे साथ। तैमा ने, तैमा को पता ना मेरी बात मान लेती है, मेरे साथ बैठ के सारा कुछ कर लेती है। तैमा ने मुझे बुलाना, कहती चलो भाई साथ खाना खाओ बैठ के, हम दोनों ने बैठ के खाना खा लेना। उससे मेरे साथ बैठ के सारा कुछ खा लेती थी वो। हाँ हमारा बड़ा प्यारा था, बड़ा ही। रात को मैंने उसने मुझे रोक लिया ना, रात को मैंने मूवीज देखनी पता नहीं क्या क्या अच्छा होना। आप ही रहती थी। हाँ मैं वहाँ पे रात भी डाल रात वो भी रोक रही थी जिन्हें थी जाने देती होती। दादा को भेज देती थी, जाती मैं दादा के साथ ही थी ना, दादा को भेज देती थी और मुझे रोक रही थी। फिर मैं सुबह सुबह घर चले कच्ची है जाती, निकली कच्ची हैं। बढ़िया हो रही फिर है। मैं सुबह सुबह घर चले जाती थी, हमने सैंडविच बनाने बना बना वो के हमने। अब कुकिंग कर रहे थे इस कमरे में, इतने सारे पराठे शराठे सारा कुछ बना लेती है। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब तब हम सैंडविच बना के ना, हम किचन में बैठ जाते थे सारा कुछ ले लू के, वहाँ पे बना बना के हमने वहीं बैठ बैठ के खाते जाना। तो मामा ने कुछ नहीं कहा। नहीं उसके मामा ने तो कुछ कहता है ना, अच्छी थी बहुत, उन्हें तो कुछ कहती। लेकिन ये था कि मैंने खुद कभी कोई चीज़ नहीं खाई वहाँ से, ना उनसे मांगती थी और ना मतलब खुद खाती थी। अगर टाइमर ने दी है तभी मैंने इतनी खाती होती, फ्रीजर के साथ मैं खा लेती थी। हाँ हमने बड़ा इंजॉय किया था, सुबह बहुत इंजॉय किया। बस यही दफा ऐसा तक गुजरा करते हुए ना। हमने बड़ा इंजॉय किया उस टाइम। टाइम टाइम का नेक्स्ट स्विमिंग पूल लगा था। स्विमिंग पूल हाँ नहीं वो नहीं, वो क्या करते हैं वो जो पूल्स वो बनाया होता पता नहीं है, इसको क्या हवा कहते भरते हैं। हैं हाँ उसमें। वो तो ना हमने वो भर लेना ना, तो हम ज़्यादा छोटे छोटे थे, ज़्यादा बड़े तो थे नहीं। जाइना जितने होंगे यहाँ से थोड़े से बड़े होंगे। हमने डाले नहीं निक्कर और हमने उसमें जंप मार मार के नहाना, शोर मचाना, बड़ा मजा किया हुआ हमने। हम ईद वाले दिन बाहर जाते थे, बाहर जाके वो जालू चोरी नहीं होते वो हाँ खा तो के ठंड आते जल्दी थे। ना उससे भी ज्यादा हाँ ना। वो हम वो जाके खा के आते थे। पटा ताई मामा ना शिवराज आनी ना, तो ताई पानी फीजा के लिए इतने ज्यादा वो लेके आते थे पटाखे वगैरह पता नहीं क्या क्या। तो मुझे डर लगता था, जान पूछ के मेरे पाँव में फेंक फेंक के मुझे डराती होती थी। हाँ मुझे बड़ा, हमने बड़ा, हम जैसे बेस्ट बेस्ट फ्रेंड नहीं होते होते वैसे थे, होते थे हम ऐसे। फिर ना उसकी सामने वाली दोस्त बन गई, जिनके घर के सामने नहीं रहते वो उसकी दोस्त बन गई। फिर हमें थोड़ी ना वो आ गई थी, दूरी हाँ थोड़ी ना फिर हमारी दोस्ती कम हो गई थी। आप लोग पेशेंट भी इकट्ठी जाती थी है ना एकेडमी। फिर ना हमें थोड़ी सी वो आ गई थी। मुझे तो लग रहा था इतने झूमे हैं तुमने कुछ कहा भी ही नहीं है, नहीं। कच्ची लिखे हैं बस। खारो शक्ति होती है मुझे सिकड़ी है। नहीं है कच्ची लिखी है सर में। हाँ मुझे अभी तक वो सैंडविच नहीं भूलते, वो हम इतने मजे के सैंडविच बनाते थे ना, हम अलग ही करते होते थे इतना ज्यादा शामी लगा के उसके अंदर, इतनी ज्यादा मायोनीज केचप लगा के उसको उसको बनाते थे पहले, और हाँ। गरम गरम उसको हम कांटे के साथ खाते होते थे किचन में बैठ के, वो बड़े मजे के होते थे। अक्सर ऐसा था कि वो खाते खाते दादा मुझे लेने आ जाती होती थी, फिर मैं छोड़ के चले जाती थी। बिल्कुल नजदीक ही तो घर थे।
सबसे पहले हमें प्याज ईद चांद रात को ना, जब चांद रात मतलब ऐलान होना ना कि कल ईद है, उन्होंने आ जाना मोटरसाइकिल पर, उन्होंने और ताई मामा ने आके हमें 100-100 या 50-50 ईद देते थे। सबसे पहले हमें वो ईद देते थे, जब से वो गए हैं ना उसके बाद से मतलब चांद रात तब इसकी आयशा की शादी भी नहीं है ना। नहीं हाँ तब नहीं की शादी हुई, फोर्थ तो मेरे हमें आयशा की शादी के बाद ही हुआ है, बाद में फोर्थ में अब तक भी वो इधर ही थे। चल चाची की शादी पे है, उनकी वीडियो में भी है, उसके ऊपर बैठ के ना वो जो हाँ डांस वगैरह नहीं कर रहे थे, उनके ऊपर पैसे फेंक रहे थे। हाँ सौ पर लगे करते थे फ्याज, मैं जाती थी ना क्या कहते चल भाई रो दिए चढ़ जाओ टांगों पे, ओए हाँ कहते दो दो घंटे तड़क कराते थे मुझसे, मेरा मुंह रोने वाला होता था पर मैं उतरती नहीं थी होती, क्योंकि जब तक मुझे खुद ना बोले कि उतर जाओ तब तक मैं नहीं उतरती। तो ना जान पूछ के ताए पापा ना बोलते नहीं थे होते कि उतर जाओ, मेरा मुंह रोने वाला और मैं रुकती नहीं थी होती। फीजा फिर गए पापा बस कर दे आज उसकी जान नहीं छोड़ते, बस कर दे पापा, तो मुझे उतार के लेके जाती होती थी। ताए पापा ना हंसते थे फिर मेरा मुंह देख देख के ना हंसते थे, पर मुझे कहते नहीं थे कि नीचे उतर जाओ। हाँ मैं आप बताओ नहीं दो दो घंटे मुझे तारा कराते थे ताए पापा, ताए पापा मैंने ताए पापा डर से जाना ना करना। मैंने कहा ताए पापा मिल गए ना बस मैं फिर गई ऐसे उसका मेरे साथ में छुप छुप के हम ना फीजा हम लगे करते रहते थे ताए पापा अगर अंदर लेटे हैं ना, मैंने और फीजा ने चोरी चोरी ऊपर चले जाना छत पे, ऊपर जाके फिर उन्हें मस्तियाँ करनी ताए पापा से बच बच के, क्योंकि ताए पापा को मैं नजर आ जाती सही एक दफा ताए पापा पकड़ पकड़ लगे चल भाई। लेकिन ना ज्यादा वो नहीं होते चाची पर इसे क्या कहते हैं ध्यान से फिया मामला फिर ना फिर ओ हाँ तो ये हमारी ससुराल में ही शेफ है असी इन हल्के चो चले जाने मैं आपको कल बिरयानी बना के खिलाऊंगी ठीक है ना। खुद ही कहती हूँ कि मैं उन सब में से सही बना लेती हूँ। आप तारीफ करते हैं पहले शुरू शुरू में आम बताती हूँ उनको वो नहीं लहसुन वगैरह डालते ना अब उनके हिसाब से बनाते हैं पूरी तारीफ करते हैं तो जिले नौवा जी भी बड़ा जाता है हो दस सुबह आई नजर ना। हाँ जी नहीं नहीं ये नीचे नहीं थी ऊपर थी ये ले देखा मैंने कहा मुझे चलती हुई फील होती है और फिर मैं इस तरह की है मुझे लगती क्या ये लगती है जैसे चल रही है जुए हाँ इस तरह की जुए मुझे लग रहा है यहाँ पे कोर है उधर सुबह ओह माय गॉडनेस उसी तरह की हाँ ओह आज तो मुझे लग रहा है मैंने हाथ से मार दी हाँ मैं पकड़ती बहुत जोर से एक्चुअली हाँ मर गई ये बेचारी मैंने उसको हाथ से मार दिया तुम एक कातिल हो नहीं किसकी एक जू की कातिल हूँ मैं क्या इस बात पे आप मुझे जेल देंगे क्या कहते हैं गाड़ी वाली मूवी देखी ना उसमें वो गाड़ी गाड़ी ही दूसरी गाड़ी को कहती है क्या तुम एक गड्डी हो रात को ना भला क्या हुआ हम ना लेटे हुए मैंने पहले नमाज पढ़ी मैंने और जुहैन दोनों ने जैना को कहता जैना आपा तुम भी नमाज पढ़ लो अल्लाह ताला में सवाब देंगे तू नमाज पढ़ लेते हैं नीचे से हम जब मूवी देखी ना हमने हाँ मैं नीचे से कहा जुहैन मैंने कहा मैंने ऊपर जाके पहले नमाज पढ़नी उसके बाद सोएंगे तो जुहैन कहता ठीक है मैंने भी आपके साथ नमाज पढ़नी है मैंने कहा ठीक है तो ना जैना कहते नहीं मैंने नहीं पढ़नी नमाज तो क्या कहते हैं
फिर ने ऊपर आके बुलाई गया वॉश में वजू करने के लिए बदतमीज लाइट बात कर दी इसने एक दफा ने इसने पता नहीं कितने दफा मैं कौन कहता पहले आप लोग नहीं तो बहन भाई ऐसे लड़ते छोटे तो जहाँ तक मुझे लड़ते हो उससे लड़ते क्यों तो मैं तो मुईज को मैंने मुईज को बड़ा लेकिन आप नहीं आप तो मेरा बाजू पकड़ देना मैं हिलती हिल नहीं पाती इतनी जोर से मेरा बाजू पकड़ देता आपको पता है उसने मेरा बाजू पकड़ा उस दिन लड़ाई हुई ना आपको तो मेरा बाजू सूज गया था उसकी उंगली के निशान ऐसे खूब गए थे बीच में मेरे बाजू इतने नाजुक हैं नहीं तो वो छोटी को नहीं मारता उससे तो प्यार है ना मुझे नहीं पता उसको पता क्या करता है मुझे तो समझ नहीं आता उस इंसान की पता नहीं अजीब सा नमूना बन गया वो यहाँ है आपकी जुमे भला कहाँ है यहाँ पे इधर मुझे छोड़ मेरा कभी कभी दिल करता है मैं पेज खोल के ना अपने सर के अपने हाँ मुझे उलझन होती है राना हमारी तो है ही ना शुक्री राना के तरले करती हूँ राना और मैं मम्मा को कहती हूँ मेरा सर देख ले और मामा मेरा सर देखती नहीं मामा को ना अब नजरें चढ़ी है ना अच्छा अच्छा उधर साइड पे इधर नहीं अच्छा मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है ओह उधर सुबह उसी तरह नहीं है ना एक कैमरे में तो करें ये चाहे जड़ों के साथ नहीं है ऊपर ऊपर वालों में है यार इधर हो रही है इधर से हमारे पास से चले जाओ क्यों क्योंकि हमें सुकून चाहिए कहाँ पे खर्च हो रही है हाँ यहीं पे लाना गिर गई है चाहे यहाँ से चले जाओ लाना मुझे इस वक्त गुस्सा आ रहा है चले जाओ यहाँ आपको सारी जिंदगी समझ नहीं लगी बेटी फटाफट गीला कपड़ा लाके इधर मारो इसका दाग पका हो जाए ना भी फसा दिया की तरह मतलब गुस्से में भी जोर से नहीं बोलती उससे पूछो जरा दस सुबह जो मैंने जो मैं देख रही मैंने तो आपको वो कौन है ना उसको वो जो मर्जी बोल बोलती उसको पूछो वो कहेगी मेरी माँ सबसे ज्यादा जालिम है चलो ओ ओ ओ मैं ना उस दिन जो पता नहीं मुझे क्या कह रहा पिद्दा एक और कहता है ये पिद्दा नहीं है तखे हैं वही लेकिन बड़ी तक है पिद्दा जो है वो मोटा है मुझे भी पता है वो जो काला सिया होता है हां मम्मा कल आपने मेरे सर पे काले परसों आपने मेरे सर के कुछ दोस्त हां पट्टे पे काले मैंने देखे थे ये पता कैसे जाती हैं सर में हम लोग तो सर जो के लेटे नहीं होते जब सब जाते हैं अच्छा मैं उस दिन से पता नहीं क्या कह रही हां फिर मेरे पास में आ रहा मामा वो जो आंटी सफाई करके जाती है ऊपर से सफाई करके जाती है एक दिन छोड़ के एक दिन करती जाती है जिस दिन आए है ना उससे एक दिन नहीं जिस दिन आप लोग आए उस दिन वो करती गई है ऊपर से आप लोग नीचे थे तो वो ऊपर खा रही थी नीचे गई थी तो आज उसने ये सिर्फ मैं वाशरूम के लिए कहा था मैंने कहा शीश से किया वो तो अच्छा मैंने कहा 0.1 मंथ की फिर इसने मुँह चढ़ाया तो हंसने लग रही थी कहता आप लोग मेरी बातों पे इतना हंसते क्यों हैं मैंने कहा जहेर आप इसे क्यों भांगीला करके मारो मैंने कहा जहेर आप ना इतना क्यूट बोलती हूँ कहता हर वक्त बस गुस्से में रहती हूँ मतलब दस सुबह ऐसी होता है नहीं है हम को हमारी वो तो नहीं ना मसले वाली बात नहीं होती हम कहते हैं एक बंदा गुस्से में रहे या एक बंदा हंसता रहे ना अचानक वो गुस्से में या हंसे तो हम कहते हैं कि आज इसको क्या हुआ है ये आज क्या हो रहा है इसको क्यों हंस रहा है हमें वो हो रही होती है कि क्यों हंस रहा है हमें पता चला आज इस बंदे की हंसने की वजह मामा है ना मामा में सिर्फ एक बुराई है जो मैं मामा को खुद भी कहती हूँ मामा के मुंह पे बैठ के मामा मैं कहती हूँ मामा आप जो चीखने लग जाती है ना ये आपकी सबसे बड़ी बुराई है बुरी बात उसकी मैं कहती हूँ मामा आप बस आराम से बात किया करें और सब कुछ ठीक है बस आप ना गुस्से में वो ना हुआ करें मैंने आपकी मामा को भी चीख कर देखा दादा आपने देखा ना ही पूछा
मैं सोचती हूँ हर किसी ने अपना अपना हिसाब देना होता है। अगर आपका शोहर आपका ठीक नहीं है तो उससे अपना हिसाब देना लग जाके, अगर आप भी ये सोच के सर ठीक ना रहे कि वो मेरे साथ ठीक नहीं है, तो ये तो फिर आप वो कर रहे होते हैं ना उसके साथ फिर। अगर आपके साथ आपका शोहर ठीक नहीं भी है या आपकी बीवी अगर ठीक नहीं है, तो आप उसके ठीक रह सकते, वो भी ठीक हो जाए। अब आप ये सोच के, अब मैं आपको बताती हूँ, हम ना पप्पू घर गई ना, मैं अच्छा उस दौरान वीडियो बनती है, फिर उसके बाद उसको पता है एडिट करना होता ना, तो ये टाइम तो इनके पास टाइम नहीं होता, तो ये दो दिन हमारे होते हैं उसमें सम टाइम पता हम लोग अब तो बड़ी देर बहुत ऐसे लगता है, तो ऐसे भी हो जाता है कि समटाइम सैटरडे संडे को हमारे घर भी कोई आ जाता है, मतलब कोई गेस्ट आया होता है। मेरे लिए ना फूफा का सबा रिश्ते ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मुझे पैसा नहीं वो करता, पैसा कभी है और कभी नहीं है। हाँ वो तो होती है, लेकिन देखे मेरी बात सुने, उसी के कहते हैं इंसान पैसे के लिए अपने रिश्ते तो नहीं ना छोड़ सकते, इंसान रिश्ते छोड़े तो अगर पैसा भी ना रहे फिर रिश्ते भी गए और पैसा भी गया, इंसान को कम से कम एक चीज़ अपने पास रखनी चाहिए। अब ना उस दिन क्या हुआ, फूफो घर गई मैं दादो के साथ, हम ना मीरल के रिश्ते की बात कर रहे थे, है ना, आपके बाल आगे से ना सही हो गए, ये जरूर मैं करती हूँ एक दिन छोड़ के, एक दिन मैंने नहाना है, मैंने बात नहीं ना लाजमी से, उसके बाद ऑयलिंग जो है ना समटाइम ये काम वाली उसे करवा ली, अगर इनके पास टाइम नहीं है तो ये आपके बाल आगे से हल्दी हो गए, पहले भी हेल्दी थे पर ना पहले आपके ज्यादा, हाँ पहले हाँ अब ज्यादा हो गए, जैसे ये सना वगैरह के ना, सना के तो सीधे भी है ना मेरे हल्दी, आपको तो मुझे आपको पता है सुबह जैसे आपके बाल है ना ऊपर से स्ट्रेट और नीचे से कर ली, आपके बाल ऊपर से सही है नीचे से बस कर रही है, ऊपर से आपके बाल बिल्कुल ठीक है, आपको पता है मुझे ऐसे बाल अच्छे लगते हैं, नीचे से थोड़े थोड़े कर्ल पड़े हो और ऊपर से स्ट्रेट हो, मुझे इतना पसंद है ना ऐसे बाल, है ना, मुझे भी ऐसे बाल अच्छे लगते हैं नीचे से कर ली और ऊपर से स्ट्रेट, नहीं मुझे ऐसे ही बाल अच्छे लगते हैं ऊपर से, मुझे भी कर्ली अच्छे लगते हैं उसके जैनी के बड़े प्यारे, नहीं अभी जैनी के तो मैंने तो गौर से नहीं देखे, वैसे मुझे ना जैसे ऐसे कहते हैं आपके बाल हैं या मुझे ना मुझे ज्यादातर ऐसे अच्छे लगते हैं नीचे से थोड़े थोड़े कर्ल पड़े हैं और ऊपर से स्ट्रेट हो, हाँ उनके बाल बड़े प्यारे, लेकिन उनके भी नीचे से कर्ल ही हैं, नहीं नीचे से कर्ल पड़ते हैं पूनम के गोल 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 गोल, हाँ मैंने उनके बाल, मैं उनके साथ रही हूँ ना एक दो हफ्ता रही हूँ मैं उनकी ऑयलिंग करती रही हूँ, तो हाँ उनके जो है ना पूनम के नीचे थोड़े थोड़े कर्ल हैं, थोड़े थोड़े से कर्ल पड़ते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं नीचे से कर्ल पड़े हुए, लेकिन उसके माशाल्लाह काले से हैं, हाँ इसके ब्राउन ब्राउन है, उसके काले से हैं, है उन दोनों छोटी के बड़ी के भी सही हैं, लेकिन मेरे लिए दुआ करें मेरे बाल भी मोटे हो जाएं मुझे मोटे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आपकी माँ के तो सही है, मुझे भारी, हाँ मामा के बाल सही है, नहीं मामा कहती थी जब मैं तुम लोग की एज में थी ना, हाँ मेरे भी ऐसे ही थे उसके, वैसे कर्ली में, हाँ मामा के कड़ी है मेरे कड़ी नहीं, आप लोगों के सीधे दादी पे हैं, हाँ दादी और नहीं मेरे फूफो पे हैं, फूफो सादी पे, दादो कहती है मेरे बाल जो है ना फूफो सादिया पे, बस ये है कि उनके थोड़े ज्यादा हेल्दी हैं, हाँ फूफो के वही कह रही ना फूफो के ज्यादा हेल्दी भी सीधे हैं, है ना, उनके मतलब स्किन हर चीज बिल्कुल फिट है, उनके सर में कोई एक वाइट बाल नहीं है, बड़ी है वो अभी तो वही कह रही हूँ सर में कोई, मैं देखू मेरी जान आ गई, रुके मैं आपको छुट्टियां बना दूं, सुबह के बाल प्यारे हैं माशाल्लाह, आपको तो मुझे ना मेरी एक आदत क्या है मैं आपको बताती हूँ, ये ना मुझे ना आपको पता है बहुत बातें करती हूँ, बातें करती हूँ मैं ना आपको शौर तो नहीं है, हाँ मुझे नहीं है,
मैं जो मेरे मतलब जो हाँ मेरे जो दिल में होता है ना वो बोल देती हूँ, मैं नहीं मतलब बातें बना। पता है इस तरह का बंदा फंसता है, फंसता है, फंस जाता है। लेकिन अल्लाह ताला को तो पता होता है ना किस बंदे का दिल साफ है, और हमारा तो अल्लाह लेन देन अल्लाह ताला के साथ है। आपको पता है मैं घर में नहीं ज्यादा बोलती, मैं घर में ना हैं आपको तो नहीं वो तो मैं हूँ, पर मैं मामा बड़ी सोच के बोलती हूँ। कौन मामा?